को शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय इंदौर नाका देपालपुर की छात्राएं बड़ी संख्या में नगर परिषद देपालपुर के सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस के पास पहुंची, जहां छात्राओं ने कन्या माध्यमिक विद्यालय में बनने वाला माध्यान्ह भोजन गुणवत्ताहीन बताया गया। सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस ने छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय इंदौर नाका पहुंचकर छात्राओं द्वारा दी गई शिकायत का मौका निरीक्षण किया, जिसमें सोमवार के दिन भजिए की कड़ी चावल बने थे उन्हें भी चेक किया, वे भी इस तरह स्तरहीन पाए गए। वहीं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी इस बात की पुष्टि की, तभी नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस ने मौका पंचनामा बनाया। हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि मध्यान्ह भोजन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गत 23 दिनों से थोड़ी क्वालिटी में खराब भोजन दिया जा रहा था। तो आज हमारा द्वारा टीम द्वारा सही निरीक्षण किया गया और बच्चों से बात की गई और खाना भी चेक किया गया, तो खाना थोड़ा स्तरहीन लगा और आज कढ़ी चावल और वो मेनू में था, तो उसको हमने निरीक्षण किया गया, बच्चों से बात की गई, आसपास शिक्षक शिक्षिकाओं से हमने वार्तालाप किया और उनको हमने हिदायत दी है कि हम तो गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। बीच में कुछ कीड़े पाए जाने की भी शिकायत मिली थी, बच्चों से बात करके हमको ये पता चला, तो हम इसका सतत निरीक्षण जारी रखेंगे। ये मध्यान्ह भोजन का जय माँ सेरा वाले ग्रुप के द्वारा ये संचालन किया जाता है, उनको आज हमने एक समझाइश दी गई है। लगभग 150 से 200 के आसपास बच्चों को भोजन दिया जाता है। मेरे पास अभी फिलहाल इसी कल ही शिकायत प्राप्त हुई थी, आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, इससे पहले मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। और हमारे द्वारा सतत मध्यान्ह भोजनों का निरीक्षण भी किया जाता है, अगर वाकई में इनकी क्वालिटी और इससे बेहतर की जाएगी, अगर नहीं की जाती है तो बिल्कुल इनका कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। मेरा नाम चंद्रशेखर सोनीस, सीएमओ नगर परिषद देवालपुर।